This is Pankaj Sinha, Lecturer. Of... This is Pankaj Chandra Sinha, Assistant Professor, CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is, What is Consistent Clause in Oracle Database? आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि Oracle Database के अंदर Consistent Clause होता क्या है और इसका उपयोग हम किस तरीके से Oracle Tables के अंदर करते हैं। No. तो चलिए नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कंसिस्टेंट व्हाट इज प्राइमरी की इन ओरेकल हाउ टू यूज द प्राइमरी की इन ओरेकल डेटाबेस कंसिस्टेंट क्या है प्राइमरी की क्या होते हैं और ओरेकल डेटाबेस में हम प्राइमरी की का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कंसिस्टेंट क्लॉज एक्चुअली में है क्या ए कंसिस्टेंट क्लॉज इन एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट क्रिएट टेबल स्टेटमेंट्स के अंदर में ये ऑप्शनल पार्ट होता है कंसिस्टेंट और इसका इस्तेमाल हम अल्टर टेबल स्टेटमेंट्स के अंदर भी कर सकते हैं ए कंसिस्टेंट इज़ अ रूल टू विच डेटा मस्ट वी कन्फर्म एक रूल है जिससे हम डेटा को कन्फर्म कर सकते हैं कंसिस्टेंट नेम आर ऑप्शनल नाउ ए कंसिस्टेंट कैन वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंट इनमें से कोई एक फॉलोइंग हो सकता है जैसे ए कॉलम लेवल कंसिस्टेंट एंड टेबल ए कॉलम नेम एक्सेप्ट चेक कंसिस्टेंट अगर हम चेक कंसिस्टेंट लगाते हैं तो उस जगह हमें डिफाइन करना होगा दे रेफर टू द कॉलम दैट द फॉलो नाउ जो सेकेंड हमारा होता है टेबल लेवल कॉन्सिट एक से ज्यादा टेबल में वन और वन से ज्यादा ना टेबल लेवल करता है पर्टिकुलर नेम को ऑफ द कॉलम्स टू विच दे अप्लाइड द टेबल लेवल लाइक चेक कंसिस्टेंट कैन रेफर टू ए जीरो और वन और मोर कॉलम इन द टेबल एक से ज्यादा कॉलम ऑफ द टेबल को बनाया जा सकता ना कॉलम कंसिस्टेंट इंक्लूड करता है दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड द नल वैल्यू नल वैल्यू होता क्या है स्पेसिफाई दैट द कॉलम कैनॉट होल्ड द नल वैल्यू यानी किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर में हम नल वैल्यू यानी कोई बिना वैल्यू डाले हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक उसके अंदर हम वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक हमारा डेटाबेस में एरर होता रहेगा यानी नॉटनल वैल्यू उसका मतलब है वहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें होल्ड कराना होगा स्पेसिफाई नॉट द होल्ड नल वैल्यू यानी नल वैल्यू हम स्पेसिफाइड नहीं करा सकते कंसिस्टेंट इज अ टाइप टाइप कंसिस्टेंट एक तरह का टाइप है नॉट नेमेबल टाइप का values नहीं है ना इन ऑरिकल डेटाबेस वी कैन यूज इन अ प्राइमरी टेबल इन अ सिंगल फील्ड ऑरिकल डेटाबेस के अंदर में प्राइमरी की का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक सिंगल फील्ड क्ले किया जाता है और कॉम्बिनेशन ऑफ द फील्ड दैट यूनिक और कॉम्बिनेशन ऑफ द फील्ड में किया जा सकता है जो कि एक यूनिक डिफाइंड रिकॉर्ड्स होते हैं नाउ नॉट यूनिक डिफाइंड रिकॉर्ड होते हैं नन ऑफ द फील्ड दैट आर द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की कैन बी कंटेन ए नल वैल्यू अगर वो प्राइमरी की नहीं होगा उस पार्ट में तो वो कंटेन कर सकता है नल वैल्यू ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है

और नॉट नल उसी तरह से कॉलम टू डेटा टाइप देयर इज अ नल और नॉट नल नाउ इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और कंसिस्टेंट हम डालते हैं नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंट हाउ टू यूज द टेबल इन द कंसिस्टेंट नाउ कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का नाम देना होता है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नेम एंड प्राइमरी की उसके बाद पैरन्थेसिस के अंदर हम कॉलम दे सकते हैं कॉलम वन कॉलम टू एंड अप टू कॉलम एनथ कॉलम तक दिया जा सकता है तो चलिए हम ओरेकल डेटाबेस में चल के ये देखते हैं कि किस तरह से हम कंसिस्टेंट का यूज करते हैं कंसिस्टेंट के अंदर जो कीज आते हैं लाइक प्राइमरी की हम किस तरह से प्राइमरी की का यूज करते हैं तो चलिए और डेटाबेस ओपन करते हैं ये हमने और डेटाबेस ओपन किया नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर नेम देते हैं हमारा यूजर नेम स्कॉट है सी ओ टी टी स्कॉट एंड द पासवर्ड है टाइगर टी आई जी ई आर टाइगर नाउ वी कैन ओपन द एस कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमारा एसक्यूल का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया सबसे पहले हम अपना स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सी एल ई ए आर क्लियर एस सी आर डबल ई एन स्क्रीन क्लियर स्क्रीन करके हम पहले ऑरिकल कमांड प्रॉम्प्ट को क्लीन कर लेते हैं अब यहाँ पे हम ऑरिकल के डेटाबेस को इंसर्ट करते हैं जैसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा एक टेबल को क्रिएट करना होगा और उस टेबल के अंदर में हमें प्राइमरी की लगाना होगा फिर आफ्टर दैट उसके अंदर हम फिर इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड को और चेक करेंगे कि रिकॉर्ड हमारा वहाँ पे प्राइमरी की को फॉलो कर रहा है नहीं कंसिस्टेंट को फॉलो कर रहा है क्योंकि एक कॉलम के अंदर एक ही प्राइमरी की डिफाइन हो और जिसको हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया उस वो हमारा एक तरह का नॉट नल वैल्यू हो जाएगा यानी वहाँ पे हम नल वैल्यू या खाली उस कॉलम को छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते उस कॉलम में हमें कुछ ना कुछ डालना ही होगा और जो भी हम डालेंगे दैट इज कॉल्ड द यूनिक वो एक तरह का प्राइमरी की होगा और वो एक टेबल में एक ही डिफाइंड होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टेबल में हम वन डिफाइन कर देते हैं प्राइमरी की रिकॉर्ड्स uh, के अंदर में या फील्ड्स के अंदर में तो दोबारा अगर हम वन असाइन करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो चलिए सबसे पहले हम क्रिएट टेबल करते हैं तो फर्स्ट क्रिएट टेबल कमांड क्रिएट एंड द टेबल टी ए बी एल ई टेबल एंड हम अपना टेबल का नाम रखते हैं टेबल दैट टेबल नेम इज एम्प्लॉय ई एम पी एल ओ वाई डब्ल्यू इम्प्लॉय इम्प्लॉय टेबल हमने क्रिएट किया वी कैन ओपन द पैरथेसिस सेकेंड लाइन में सबसे पहले हमने ई एम पी अंडर स्कोर आई डी ई एम पी ई एम पी अंडर स्कोर आई डी सबसे पहले हमने दिया इम्प्लॉय आई डी इसका जो डेटा टाइप है दट इज नंबर एन यू एम बी ई नंबर दे दिया और नंबर के अंदर में हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी दैट इज अ टेन यानी टेन वैल्यू तक ये ले सकता है आफ्टर देन कॉमा देन नेक्स्ट सेकंड दैट इज ई एम पी अंडरस्कोर दैट इज अ नेम एन ए एम ई नेम और इसको हमने डिफाइन कर दिया वेयर कैर से वी ए आर सी एच ए आर वेयर कैर एंड दैट इज वेयर कैर 2 नाउ इन द कॉलम वी कैन डिफाइन The value that is 30 or isko name hai toh, 20 we define we can assign the 20 value. After then, next we can also enter the third field that is EMP address. EMP underscore address a d d r e -S, s s address. Now here we can also define the data type V A R C H A R 2. नाव हेयर वी कैन एंसर्ट द वैल्यू दैट इज अ थर्टी कैरेक्टर तक हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से हम एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं नाउ क्लोज द पैरंथेसिस एंड सेमी कॉलन एंड एंटर हेयर वी कैन क्रिएट ए टेबल तो ये हमारा एक सिंपल टेबल क्रिएट हो गया बट इसके अंदर हमें क्या करना था प्राइमरी की असाइंड करना था तो हमें क्या करना होगा इस टेबल को हम देख सकते हैं दैट इज डी एस सी कमांड डिस्प्ले टेबल And the table name, that is e M टेबल L O Y, ओ और ये टेबल हमने क्रिएट किया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टेबल क्रिएट हुआ है एक सिंपल टेबल है जिसके अंदर भी किसी भी तरह का कोई की डिफाइंड नहीं हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई की डिफाइंड नहीं हुआ ना अब इसी टेबल को हम नेक्स्ट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय वन और उसमें हम देखेंगे कि की किस तरीके से हम डिफाइंड करते हैं तो चलिए हम लोग एम्प्लॉय वन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम प्राइमरी की डिफाइन करके देखते हैं नो फर्स्ट वी कैन क्रिएट द टेबल सी आर ई ए टी क्रिएट एंड नेक्स्ट द टेबल टी ए बी एल ई टेबल एंड द टेबल नेम दैट इज ई एम पी एल ओ वाई डबल ई एम्प्लॉय वन इट इज अ टेबल क्रिएटेड नाउ वी कैन क्रिएट अ आफ्टर द पैरथेसिस वी कैन एंटर नेक्स्ट इंप्लॉय ई एम पी अंडर स्कोर आई डी ई एम पी ई एम पी अंडर स्कोर आई डी एम्प्लॉय आई डी क्रिएट किया ना इसका डेटा टाइप हमें देना है दट इज अंबर एन यू एम बी इंबर और नंबर में हमने दे दिया यहाँ पे दैट इज ए टेन दस वैल्यू तक इंसर्ट करेगा नौ कॉलम कॉमा सेकेंड फील्ड हम देते हैं एम्प्लॉय एन ए एम ई नेम और इसको हम दे देते हैं वी ए आर सी एच ए आर वैर कैर टू और वैर कैर टू के अंदर में हम वैल्यू असाइन कर देते हैं दैट इज ट्वेंटी आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट फील्ड दी अंडर अंडरस्कोर एड्रेस ए डी डी आर इड्रेस और एड्रेस को डेटा टाइप डिफाइन करते हैं डिफाइन -E किया और ब्रैकेट्स के अंदर में हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं थर्टी थर्टी कैरेक्टर तक ये इंसर्ट कर सकता है नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे इसके बाद कंसिस्टेंट डिफाइन करना है हाउ टू डिफाइन द कंसिस्टेंट नाउ कॉमा नेक्स्ट इंटरलाइन करते हैं और हम कंसिस्टेंट डिफाइन करते हैं यहाँ पे सी ओ एन एस टी आर ए आई एन टी कंसिस्टेंट हमने डिफाइन किया और कंसिस्टेंट का नेम देना होगा फर्स्ट कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट नेम दैट इज ई एम पी ई एम पी अंडर स्कोर प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पी के डिफाइन कर सकते हैं कंसिस्टेंट नेम एंड देन द प्राइमरी की पी आर आई एम ए आर वाई प्राइमरी के ई वाई की हम प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं और प्राइमरी की के अंदर में जिस फील्ड को डिफाइन करना है उस पर्टिकुलर फील्ड्स को हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ब्रैकेट देते हैं और प्राइमरी की हम इम्प्लॉय नंबर्स को इम्प्लॉय आई डी को डिफाइन करते हैं तो दैट इज ई एम पी अंडर स्कोर दैट इज आई डी ई एम पी ई एम स्कोर दई डी और इसको हम एज ए प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं नाउ वी कैन क्लोज दफ्टॉलन एंटर दर वी कैन रिटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया नाओ अब इस टेबल को हम देखना चाहते हैं पहले वाले टेबल में हमने किसी भी तरह का प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया था तो इसका जो टेबल स्ट्रक्चर था वो देख रहे हैं और नेक्स्ट हम जो अभी टेबल क्रिएट किए दी वन इसको हम देख लेते हैं दैट इज डी एस सी कमांड डिस्प्ले टेबल कमांड दैट इज ई एम पी एल ओ वाई डबल ई एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के अंदर में हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय सॉरी दैट इज एम्प्लॉय वन तो एम्प्लॉय वन हम क्रिएट कर देते हैं और एम्प्लॉय वन के अंदर सेमी कॉलन एंटर तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो टेबल क्रिएट हुआ है टेबल का जो फील्ड क्रिएट हुआ है इस फील्ड के अंदर में यहाँ पे ये वैल्यू आ जाता है नॉट नल दैट इज अ प्राइमरी की अगर हम इस वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को हमने प्राइमरी की डिफाइन कर रखा है तो इसके अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ेगा अगर हम वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं तो हम हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे यहाँ पे एरर देगा और अगर सेम वैल्यू हम दो बार असाइन कर देते हैं तो भी ये इंसर्ट नहीं करेगा इस टेबल के अंदर बिकॉज सेम वैल्यू अगर डेटाबेस में असाइन करते हैं एक तरह का प्राइमरी की कॉलम है ये क्लियरली बोल देगा कि ऑलरेडी ये पहले से इंसर्ट है यहाँ पे डेटा इस पर्टिकुलर आईडी का यानी आईडी हमारा प्राइमरी की हो गया तो हम नेक्स्ट यूज करते हैं इंसर्ट कमांड आई एन एस इंसू आई एन एस टी इंसर्ट इन इंसर्ट इन टू और हमारा टेबल नेम पी एल ओ वाई डबल ई एम्प्लॉय वन

और यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं दैट इज राम आर ए एम राम क्लियरली और क्लोज कर देते हैं दैट इज नेम तो नेम में हम दे सकते हैं मिस्टर राम आर ए एम राम एंड नाउ वी कैन क्लोज देयर हेयर कॉमा और नेक्स्ट हमारा एड्रेस है तो हम यहाँ पे एड्रेस में लिख सकते हैं पी ए टी एन ए पटना और इसको भी हम क्लोज करते हैं आफ्टर देन वी कैन क्लोज द पैरेंथेसिस एंड सेमी कॉलन एंटर यहाँ पे वन रो जो हमारा है क्रिएटेड हो गया हम इसे देख सकते हैं कि हमारा वन रो किस तरह से क्रिएटेड हुआ तो दे कमांड इज एस सी एल ई सी टी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और हमें टेबल का नाम देना है दैट इज ई एम पी एल ओ वाई डबल ई एम्प्लॉय वन और सेमी कॉलन एंटर तो यहाँ पे एक हमारा फील्ड इंटर हो गया और ये हमारा एड्रेस पटना है क्लियरली कॉलम रहा है ओके सॉरी यहाँ पे एक एरर है वी कैन इंसर्ट द सेम वैल्यू बट हेयर वी कैन इंसर्ट। यहाँ पे हम फिर से इंसर्ट कर रहे हैं नाउ कोट्स के अंदर में सबसे पहले हमने दिया कॉलम फिर कोर्ट्स Variable है, तो पी ए टी एन ए पटना करते हैं और पैर एंटर ये बोल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे ई एम पी वन वैल्यू मिस्टर नाम ये बोल रहा है यूनिक कंसिस्टेंट ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है अकॉर्डिंग टू योर स्कॉट टेबल यानी इस डेटाबेस के अंदर में यूनिक कंसिस्टेंट डिफाइंड है दैट इज वॉयलेटेड यानी यूनिक कंसिस्टेंट कॉम वोलेटेड कर रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पे पहले से जो है वन दे रखा है जीरो वन तो अब जीरो वन ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है आईडी के अंदर में तो दोबारा ये इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा दोबारा हम चेंज करके देखते हैं वैल्यूज को नाउ हेयर वी कैन चेंज द वैल्यू अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जीरो टू दे देते हैं आफ्टर देन वी कैन इंसर्ट द मिस्टर राकेश वैल्यू तो यहाँ से हम इसको इंसर्ट करते हैं और फिर एंटर करके देखते हैं कि क्या होता है

जिस तरह से हमने इंसर्ट किया रिकॉर्ड नंबर वन रिकॉर्ड नंबर टू अगर रिकॉर्ड नंबर वन में दोबारा हम रिकॉर्ड नंबर वन इंसर्ट करने की कोशिश करें तो प्राइमरी का कंसिस्टेंट हमें एक कंडीशन नहीं देता है और एक इस तरह का कंडीशन नहीं देता है और वो अवॉइड करता है कंसिस्टेंट यूनिक कंसिस्टेंट्स को जिससे कि हम एक ही डेटा को दोबारा इंटर एक्ट दोबारा इंटर इंसर्ट किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर नहीं कर सकते तो चलिए इस वीडियो में हमने इतना ही जाना अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन कौन से कंसिस्टेंट consistent...